असल अजाब तो आखिरत का ही है ना, असल जिंदगी आखिरत की अबदी जिंदगी है। यहां तो क्या है, कौम नूह डूब गई, खत्म हो गई, दो चार डुबकियां ली होंगी हर आदमी ने, जान निकल गई, अजाब क्या आया? असल अजाब तो वहां है जो आखिरत का होगा। दुनिया में अजाब आता है मुसलमानों पर, मुसलमान होकर तुम अगर इस्लाम पर अमल नहीं करते, दावा तुम्हारा इस्लाम का हो और अमल तुम्हारा काफिराना हो, नाम लो तुम मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तबा करो तुम मोहम्मद के दुश्मनों का, दावा करो अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी का और तुम्हारी दोस्तियां हो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से, तुम कहो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को हम मानते हैं और सूदी कारोबार करके अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग किए रखो, असल अजाब दुनिया में मुसलमानों पर आता है। जैसे कि पहले यहूदियों पर आया, इसलिए कि हमसे पहले की मुसलमान उम्मत वही थी, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती नहीं हुई वही उम्मत थी, मूसा के मानने वाले, तौरात के मानने वाले यहूदी, ये उम्मत मुस्लिमा थी। लेकिन उन पर कैसे कैसे अजाब आए, नबूकदनज़र के हाथों बर्बाद कराया गया, कभी फिर यूनानियों के हाथों तबाही आई, कभी रूमियों के हाथों तबाही आई। इस सदी में भी आपने देखा, अगर आप भूले ना हो, कि ये सदी के वस्त में हिटलर के हाथों 60 लाख यहूदी कत्ल हुआ। ये कौन है? अल्लाह को भी मानते हैं, हजरत मूसा को भी मानते हैं, तौरात को भी मानते हैं, वो तो मुद्दई है अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले, लेकिन ये कि उन पर जो अजाब आए वो आपके सामने है। उसी तरह का अजाब हम पर आ रहा है कि तुम नाम लेते हो हमारा और अमल तुम्हारे खिलाफ है। लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, कबूरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफअलून, क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? अल्लाह के गजब को और अल्लाह के गैस को और गुस्से को भड़काने वाली है ये बात कि तुम कहो जो करते नहीं। ये है असल सबब, असल मुजरिम हम हैं, हम दोहरे मुजरिम हैं। उनका जुर्म एक है, उन्होंने इनकार कर दिया, छुट्टी हुई। हम हैं कि जो हर रोज कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और फिर उस दिन में 50 मरतबा अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं। पूरी जिंदगी हमारी गुजर रही है, 5 वक्ता नमाजी ज्यादा बड़ा मुजरिम है इस वक्त, इसलिए कि वो 23-24 मरतबा 25 मरतबा 27 मरतबा दोहराता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और फिर बाहर निकलकर जो काम करता है वो उसके खिलाफ। ये है असल में सबब। और ये जान लीजिए, जो अजाब हम पर आ रहा है अल्लाह का, वो इस वजह से आ रहा है। हमारा काम तो यह था कि हम दीन के अलमबरदार हैं, दीन का एक निजाम दुनिया के सामने पेश करें। अभी बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है तवक्कुल साहब ने, मॉडल, मॉडल दो ना। एक इंफिरादी मॉडल होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात में मॉडल थे, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। लेकिन हुजूर ने सिर्फ जाती और इंफिरादी मॉडल नहीं दिया, एक इज्तिमाई मॉडल फराहम कर दिया, निजाम कायम करके दिखा दिया। यह है अल्लाह का दीन, यह है उसका सियासी ढांचा, यह है उसका माशी ढांचा, यह है उसकी माशरत, यह है उसकी फैमिली लॉज, यह है उसके अंदर तमाम कवानीन, फौजदारी और दीवानी, यह है यहां पर कानून शहादत, यह है सारा निजाम। देख लो, थोक बजाकर देख लो, यह निजाम है। जब तक वो मॉडल मुसलमान कायम नहीं करेंगे, यही अजाब के कोड़े बरसते रहेंगे, सख्त से सख्त तर अजाब आएगा।